वेलकम टू जूडिस्ट एग्जाम आप आपका करंट अफेयर जूडिस्ट एग्जाम पर देख रहे हैं आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आज का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप करंट अफेयर को अंत तक देखते रहिए यदि आपको क्वेश्चन के आंसर मालूम है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं करंट अफेयर स्टार्ट करने के पहले आप कॉपी और पेन ले लीजिए और इंपॉर्टेंट नोट जरूर आए तो आज दस फरवरी दो हजार बीस है है तो दस फरवरी दो हज़ार बीस का करंट अफेयर स्टार्ट करने के पहले पहले नौ फरवरी दो हज़ार बीस के करंट अफेयर का रे रिविजन करते हैं तो नौ फरवरी दो हजार बीस का फर्स्ट करंट अफेयर था वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी पी, पी, प्रोजेक्ट मेट्रो नेटवर्क की शुरुआत कहां हुई है तो इसका राइट आंसर था हैदराबाद दूसरा क्वेश्चन था केंद्र सरकार ने पचास रेलवे स्टेशन को वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में सुधार के लिए कितना निवेश करेगा तो इसका राइट आंसर था पचास हजार करो तीसरा क्वेश्चन था नौ फरवरी दो हजार बीस का हाल ही में आठ फरवरी को किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई है तो इसका राइट आंसर था राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की तो ये डिवीजन 9 फरवरी 2020 का चल रहा है करंट अफेयर का तो यदि आप 9 फरवरी 2020 के वीडियो ना देख पाए हो तो एक बार जरूर देख लीजिएगा चैनल पे जाके जूरिस्ट एग्जाम पर तो कुछ हाईलाइट्स हैं है नौ फरवरी के तो डब्ल्यू एच ओ ने कोरोना वायरस के लिए छह सौ पचहत्तर मिलियन यू एस डॉलर के दिए हैं कोरोना वायरस के दान दिए हैं अमेरिका ने कोरोना वायरस के लिए चीन को सौ मिलियन डॉलर समर्थन की घोषणा की है नेपाल ने चीन को एक लाख सुरक्षा मास्क दिए हैं चीन में अब तक की मृत्यु कोरोना वायरस से संबंधित आठ सौ तक हो गई है कोरोना वायरस सीधे प्रसारण प्रसारण एरोसेल द्वारा फैल सकता है ऐसा ये न्यूज है करंट अफेयर से हाईलाइटेड है चौथा क्वेश्चन था नौ फरवरी दो हजार बीस का भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी प्रो लीग दो हजार बीस में दो एक से किस देश को हराया तो इसका राइट आंसर था बेल्जियम पांचवा क्वेश्चन है नौ फरवरी दो हजार बीस का था किस देश के क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आदर्शक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए तो ये नेपाल के क्रिकेटर हैं कुशल मल्ला ने यह उपलब्धि पंद्रह साल तीन सौ चालीस दिन में हासिल की है छठवा क्वेश्चन था दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कितने प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई तो इसका राइट आंसर चौवन दशमलव क्वेश्चन था फ्लिपकार्ट ने म्यांमार में अपने किस फैशन पोर्टल को बंद कर दिया है तो इसका नाम था जोबोंग पोर्टल को फ्लिपकार्ट ने बंद कर दिया है आठवां क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने बलात्कार के मामलों में तेजी से निपटारे के लिए अट्ठाईस ट्रैक विशेष अदालत बनाने की मंजूरी दी है तो इसका राइट आंसर था केरल नौवा क्वेश्चन था सात स्पाइस जेड ने नए चीफ कमिश्नर सॉरी स्पाइस जेड ने नए चीफ कमर्शियल अफसर किसे नियुक्त किया है तो इसका राइट आंसर था शिल्पा भाटिया को दसवां क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति समिति द्वारा 2019 उन्नीस कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के से किसे सम्मानित किया गया तो इसका राइट आंसर था पुलेला गोपीचंद जो भारत के मुख्य राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच है पुलेला गोपीचंद को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पुरस्कृत किया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यदि आप नौ फरवरी दो हजार बीस का करंट अफेयर ना देख पाए हो तो एक बार जो एग्जाम चैनल पर जाके वहां देख सकते हैं नौ फरवरी दो हजार बीस का जो बहुत इंपॉर्टेंट था तो आज दस फरवरी दो हजार बीस है तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के चौदह सौ कॉलेजों में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई जाएगी तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश प्रदेश सरकार ने यह ऐलान किया है कि 1400 कॉलेजों में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई जाएगी इससे पहले लगभग 300 कॉलेजों में पहले ही महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई जा चुकी है तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गठन हुआ था एक नवंबर 1956 को भाषा हिंदी दूसरी भाषा है सिंधी जिलों की संख्या बावन विधानमंडल एक सदनीय है विधानसभा सीटें दो राज्यसभा सीटें ग्यारह लोकसभा सीटें उन्तीस मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ राज्यपाल है लालजी टंडन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस राज्य में सामुदायिक बंकरों के निर्माण के लिए तीस करोड़ मंजूर किए गए हैं तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा और बारमूला सीमा जिलों के लिए 125 सामुदायिक बंकरों के निर्माण के लिए 25 करोड़ मंजूर किए गए हैं बांदीपुरा जिलों में 20 सामुदायिक बैंकरों के निर्माण के लिए 5 करोड़ मंजूर किए हैं तो करोड़ की राशि जम्मू कश्मीर राज्य के सामुदायिक के के निर्माण लिए करोड़ मंजूर किए गए हैं तो जम्मू और कश्मीर के बारे में जानते हैं राजधानी है श्रीनगर जो मई से अक्टूबर के बीच में होती है, होती है है जम्मू नवंबर से अप्रैल के बीच में स्थापना हुआ था उन्नीस चौवन को दोबारा अस्थापना हुआ जम्मू और कश्मीर राज्य की इकतीस अक्टूबर 2019 को जिलों की संख्या 22 है उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद मुर्मू जीसी मुर्मू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं संत रविदास की छः जयंती कब मनाई गई है तो इसका राइट आंसर होगा 9 फरवरी 2020 को इनकी संत रविदास की जयंती 9 फरवरी 2020 को मनाई गई या माँ पूर्णिमा को मनाई जाती है इस बार इनकी छः जयंती मनाई गई इनके शिष्य का नाम था मीराबाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डी ने कितने तारीख के बाद चीन जाने वाले विदेशियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति रोक दिया है तो DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कितने तारीख के बाद चीन जाने वाले विदेशियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है तो इसका राइट आंसर होगा 15 जनवरी 2020 नागर विमानन महानिदेशालय ने दोहराया कि इसके पहले चीन नागरिकों को 5 फरवरी से पहले जारी किए गए सभी ई वीजा निलंबित कर दिया है तो 15 जनवरी के, के बाद गए चीन जाने वाले विदेशियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति डीजीसीए ने रोक दी है इसके पहले नागर विमानन महानिदेशालय ने भी चीन के नागरिकों को 5 फरवरी से पहले जारी किए गए सभी ई वीजा निलंबित कर दिया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तेईसवा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का सम... कहां संपन्न हुआ है तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई मुंबई में आज सात से आठ फरवरी के 2020 के बीच चला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन तो यह तेईसवां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई ग्रीष्मकालीन नागपुर शीतकालीन गठन हुआ था एक मई उन्नीस को महाराष्ट्र दिवस एक मई को मनाया जाता है इसके साथ साथ गुजरात का भी स्थापना गुजरात राज्य की भी स्थापना दिवस एक मई को मनाया जाता है भाषा है मराठी जिलों की संख्या छत्तीस विधानमंडल दिशदी है विधान परिषद सीटे सीटें अठहत्तर विधानसभा सीटें दो सौ अट्ठासी राज्यसभा सीटें उन्नीस लोकसभा सीटें अड़तालीस मुख्यमंत्री हैं उद्धव भाल ठाकरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार राज्यपाल हैं भगत सिंह कोशियारी जनसंख्या के मामले में भा, भारत में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर तथा क्षेत्रफल के मामले में तीसरे स्थान पर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए एक टीम का नेतृत्व किया है तो इसका राइट आंसर होगा एस एस ये वासन यस एस वासन भारतीय मूल के वैज्ञानिक है जिन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन से विकसित करने के लिए एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ है एस एस वासन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रोड्स स्कॉलर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारतीय और रूसी कंपनियों ने इंडेक्ट एक्सपो 2020 में कितने समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो इसका राइट आंसर होगा ग्यारह तो भारतीय और रूसी कंपनियों ने ग्यारह ज्ञापन समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इनमें भेल इनवर्सिया भारत डायनिक लिमिटेड एंड यू बी जेड जैसे यमुओ पर हस्ताक्षर किए तो डेफ एक्सो का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है तो ये डेफ एक्सो पो पांच दिवसीय कार्यक्रम पांच फरवरी से नौ फरवरी दो हजार बीस के चला था इसका समापन नौ फरवरी दो हजार बीस को लखनऊ में हुआ है डेफ एक्सपो इंडिया दो हजार बीस की जो थीम थी इस इज इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब का एग्जामों भी पूछा जा सकता है ए बहुत इंपॉर्टेंट थीम है डेफेक्सपो इंडिया 2020 इज इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब एंड द फोकस विल बी ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चीन के बाहर किस देश में कोरोना वायरस के सर्वाधिक मामले पाए गए हैं तो इसका राइट आंसर होगा जापान जापान में चीन चीन के बाहर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस पाए गए हैं संबंधित मामले जापान में कोरोना वायरस के साथ लगभग अस्सी लोगों की पुष्टि की गई है फर्स्ट अमेरिकन दा... की मृत्यु हो गई है कोरोना वायरस से जो जिसकी मृत्यु चाइना में ही हुई है तो जापान की राजधानी है टोक्यो राष्ट्रीय स्थापना दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है करेंसी है एन पीएम है प्रधानमंत्री हैं सिंजो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारत सरकार द्वारा सौ गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के रूप में किस वर्ष निर्धारित किया गया है तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर दिसंबर 2022 दिसंबर 2022 तक देश भर में गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता और सौ गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितने विधानसभा सीटों के लिए बूथ एप का प्रयोग किया गया है तो इसका राइट आंसर होगा ग्यारह विधानसभा चुनाव के लिए बूथ एप क्यू कोड इनेबल्ड वोटर स्लिप पे, पे बूथ का उपयोग किया गया है तो दिल्ली के बारे में जानते दिल्ली की भाषा हिंदी दूसरी तीसरी भाषा पंजाबी तथा उर्दू जिलों की संख्या ग्यारह है विधानमंडल एक है, विधान साथ नहीं है विधानसभा सीटें सत्तर है राज्यसभा सीटें तीन लोकसभा सीटें सात मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल राज्यपाल हैं अनिल बैजाल तो अभी हाल ही में सत्रह विधानसभा सीटों के लिए दिल्ली में चुनाव हुए हैं जिसमें ग्यारह सीटों पर विधानसभा सीटों पर बूथ का प्रयोग किया गया है तो आठ फरवरी को यह चुनाव हुआ है तथा इसकी मतगणना ग्यारह फरवरी दो हजार बीस को होगी तो दिल्ली के बाद कल का प्रश्न था ऑटो एक्सपो दो हजार बीस द मोटर शो की शुरुआत कहाँ हुई है इस क्वेश्चन का जवाब कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया यदि आप क्वेश्चन डेली करंट अफेयर देखते हैं जो जूरिटी एग्जाम के तो आने वाले एग्जामों में अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं तथा इस क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते थे ऑटो एक्सपो दो हजार बीस मोटर शो की शुरुआत कहाँ हुई है तो इसका राइट आंसर था नोएडा उत्तर प्रदेश में ऑटो एक्सपो दो की शुरुआत हुई है या इसका आयोजन सात फरवरी से बारह फरवरी 2020 तक है इस बार की थीम है ऑटो एक्सपो 2020 की थीम है एक्सप्लोर वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी इस ऑटो एक्सपो में बी एस सिक्स मानदंडो वाली गाड़ियों को अपनाने के लिए ज्यादा जोर दिया गया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हो उत्तर प्रदेश की विधायक राजधानी है लखनऊ न्यायिक राजधानी है प्रयागराज पूर्व नाम संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस भाषा है हिंदी उर्दू मंडल की संख्या अठारह जिलों की संख्या पचहत्तर विधानमंडल मंडल है विधान परिषद सीटें सौ विधानसभा सीटें चार सौ तीन प्लस एक एक एंग्लो इंडियन के लिए है चार सौ तीन सीटों पर चुनाव होते हैं और एक नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा सीटें इकतीस है लोकसभा सीटें अस्सी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कई एग्जामों में पूछा जा चुका है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रीय शोध संस्थानों के बारे में उत्तर प्रदेश के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में उत्तर स्थित है नेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित क्लासिकल डांस की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कथक है तो फ्रेंड आज का प्रश्न है किस देश के क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं क्वेश्चन को दोबारा सुनीगा किस देश के क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं इस क्वेश्चन का जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें तो फ्रेंड आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और जूडिस्ट एग्जाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाले नोटिफिकेशन के बेल का बटन जरूर दबा लें प्रतिदिन के सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जूडिस्ट एग्जाम धन्यवाद